मैं योगी साहब को उत्तर प्रदेश का सबसे नाकाम और सबसे घटिया चीफ मिनिस्टर मानता हूं। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। बस देखो विकास भी कराएंगे लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं, माफिया की ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। दंगाइयों के फोटो फिर से लगाएंगे चौराहे चौराहे पर लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। 1200 सेट के एनकाउंटर हुए हैं लेकिन जितने दिन सत्ता में नहीं हुए उससे तिगुने एनकाउंटर हो चुके। हाँ मैंने कहा ना ये होंगे प्रतिदिन 3-4। अच्छा मुझे एक बात बताइए, 22 करोड़ की जनता की सुरक्षा और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। बात पे कहते हैं ना पाकिस्तान चले जाओ, भैया तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने का, हम नहीं जाएंगे, जिसको भेजने का शौक है वो चला जाए। हम कहना चाहते हैं जिन्हें पाकिस्तान प्यारा है वे पाकिस्तान में जाएं। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है वो पाकिस्तान चले जाएं। हम उसको रोकेंगे नहीं, अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। हम उसका जवाब उसी भाषा में और उसका जवाब जिस भाषा में वो जानेगा, जिस भाषा में वह उस सीखना चाहता हो, जिस भाषा में वह अच्छी तरह समझ सकता हो उस भाषा में उस जवाब को हम देना जानते हैं। और अगर प्रशासन ही चाहता है तो फिर तैयारी कर ले। ये हमारे लिए बहुत कठिन नहीं इस प्रकार के तत्वों पर नकेल कसना, एक झटके में सब काम ठीक हो जाएगा। प्रदेश का सबसे नाकाम और सबसे घटिया चीफ मिनिस्टर मानता हूं। आप मुझसे पूछ लीजिए, कुछ वजह दे दीजिए क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि इस राष्ट्र की, राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्र सुरक्षा की सबसे ज्यादा सीना पीटने वाले लोगों की पार्टी से आने वाले चीफ मिनिस्टर ने राष्ट्र के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात यह किया है कि राष्ट्र के लोगों को और इस प्रदेश के लोगों को अलग अलग खानों में बांटा है। इससे बड़ा जुर्म कुछ नहीं हो सकता मुल्क के साथ दुश्मनी के लिए, इससे बड़ा जुर्म कुछ नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश के 61 शहरों में 12,000 करोड़ रुपए जन विकास की जरूरतों के लिए निवेश किए गए हैं, जिनसे वाटर टैप कनेक्शंस, सीवेज कनेक्शंस, ग्रीन स्पेसेस आदि का निर्माण किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, साथ ही प्रदेश के 10 शहरों को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है। यही नहीं, इनमें से 8 शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सक्रिय है और बाकी 2 शहरों में जल्दी शुरू किए जाएंगे। पर्यावरण की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए 10 लाख LED लाइट्स की स्थापना की गई है, जिससे बड़ी मात्रा में कार्बन फुटप्रिंट को घटाया जा सकेगा। जहां 2017 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में मात्र 15 किलोमीटर में मेट्रो चलती थी, वहीं आज गाजियाबाद के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ में 88 किलोमीटर की मेट्रो लाइन चल रही है। साथ ही देश की पहली RRTS दिल्ली मेरठ पर बहुत तेजी से कार्य चल रहा है, जिसके अंतर्गत 2022 में 17 किलोमीटर की लाइन का उद्घाटन कर दिया जाएगा। क्लीन गंगा मिशन के तहत वन सिटी वन ऑपरेटर के इनोवेशन से STPs को और भी प्रभावी और कार्यकुशल बनाया जा रहा है। मथुरा और वाराणसी जैसी पवित्र भूमि पे आ रहे लाखों पर्यटकों, तीर्थयात्रियों एवं स्थानीय निवासियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश यानी एक्सप्रेस प्रदेश में आज दिख रही है विकास की गति, वह विकास जिससे बढ़ रही है आम जनमानस में खुशहाली, बढ़ रहा है रोजगार, महिलाओं में आत्मविश्वास और हो रहा है किसानों का जीवन खुशहाल। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने
21वीं सदी के भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास का रोड मैप तैयार किया। निवेश और ईज ऑफ लिविंग के लिए जरूरी कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हुए सड़क, रेल, वाटर, एयर कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड विकास कार्य शुरू किए। इंफ्रास्ट्रक्चर के चौमुखी विकास को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए पीएम गति शक्ति कार्यक्रम से एक नई गति मिली है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना उत्तर प्रदेश में भी वरदान साबित हो रही है। माल की ढुलाई एवं यात्रियों की सुगमता के लिए 7700 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट टर्मिनल, आम जन का रैपिड रेल का सपना पूरा करने के लिए 30,000 करोड़ की लागत से रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उत्तर प्रदेश को पूरी दुनिया के साथ एयर कनेक्टिविटी देने वाला 30,000 करोड़ की लागत से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तथा देश की रक्षा शक्ति को बढ़ाने वाले 4,000 करोड़ के निवेश से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण मिशन मोड पर चल रहा है। आज फर्क साफ है। 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश पिछड़ा और सुस्त माना जाता था, आज वह 4 नए एक्सप्रेसवे के साथ इंटर कनेक्टिविटी में अग्रणी राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों धार्मिक त्योहारों के बीच कुछ अन्य राज्यों में हुई सांप्रदायिक झड़पों के संदर्भ में कानून और व्यवस्था पर बात की। आरएसएस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम योगी ने कहा कि कई राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद दंगे हुए। यूपी में चुनाव के दौरान या बाद में कोई दंगा नहीं हुआ। सरकार बनने के बाद रामनवमी धूमधाम से मनाई गई। हनुमान जयंती समारोह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। ये वही यूपी है जहां छोटी छोटी बातों से दंगे होते थे। सीएम योगी कहते हैं कि सड़कों पर ईद की नमाज नहीं हुई। अब आपने सुना ही होगा कि मस्जिद के लाउडस्पीकर की आवाज़ भी कम हो गई है और अवैध लाउडस्पीकर को पूरी तरह हटाया गया है। राज्य सरकार के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में करीब 1,00,000 से अधिक लाउडस्पीकर धार्मिक स्थलों से हटाया जा चुके हैं। योगी सरकार 2.0 के पहले बजट से ये साफ कर दिया है कि योगी सरकार 2.0 का विकास की रफ्तार कम नहीं होने वाली बल्कि 3 गुना रफ्तार बढ़ेगी। चाहे प्रदेश के किसान की बात हो या चाहे महिला सुरक्षा की बात, खासकर रोजगार को लेकर सरकार काफ़ी गंभीर दिखाई दे रही है। दोस्तों, हमने जो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर वीडियो बनाया वो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हम योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर और कुछ वीडियो बनाए तो कमेंट करें बाबा बुलडोजर की जय। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आने पर आपकी रिस्पॉन्स देखकर हम अगला वीडियो ज़रूर बनाएंगे और हम अभी आपको गारंटी देते हैं कि अगला वीडियो इस वीडियो से भी ज़्यादा धमाकेदार होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए जय बुलडोजर बाबा की। दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।